फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है सूजी और मावे के लड्डू। काफ़ी टेस्टी और फटाफट बन जाते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाना। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस को ऑन किया है और यहाँ पर मैंने सूजी डाली है। सूजी लगभग 250 ग्राम के करीब ली है और इसमें एक चम्मच देसी घी डाला है। अब इस सूजी को हम अच्छे से मिलाते रहेंगे। बस अब हमें ध्यान ये रखना है कि गैस की जो फ्लेम है लो रखना है और सूजी को हम लगातार मिलाते रहेंगे। इस तरह से आप देखेंगे धीरे धीरे करके सूजी के अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। बीच में इसको चलाना बंद ना करेंगे, अगर ऐसा किया तो नीचे से सूजी चढ़ जाएगी और लड्डू का स्वाद बिगड़ जाएगा। आप देखिए हम सूजी को लगातार हिलाते जा रहे हैं और फ्लेम को लो ही रखना है हमें। ये देखिए धीरे धीरे करके सूजी अपना रंग बदलने लगेगी। ये देखिए सूजी अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब हम इसमें 250 ग्राम के करीब मावा डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। मावे को हम तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि पूरा मावा सूजी में मैश ना हो जाए। ये देखिए मावा सूजी में अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अब हम इसमें आधा कप के करीब दूध डालेंगे और इसे फिर अच्छे से मिलाना चालू करेंगे। बस फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सूजी को अच्छे से भूनते जाना है। जितना अच्छा सूजी भुनेगी उतने अच्छे लड्डू बनेंगे। अब इसके अंदर हम 250 ग्राम शक्कर डालेंगे और शक्कर को भी अच्छे से मिलाते रहेंगे इसमें, जब तक कि पूरी तरह से शक्कर इसमें मेल्ट ना हो जाए। थोड़ा सा हम दूध और डालेंगे। बस आप थोड़ा थोड़ा इसमें दूध मिलाकर इसको मिलाते रहिए। अभी अच्छे से मिल चुकी है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर काजू और बादाम की कतरन डाली है, इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए अच्छे से सब इंग्रीडियंट्स मिल चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। लगभग 2 से 3 इलायची को मैंने बारीक पीस लिया है, इसको डालेंगे और ये लड्डू हमारे लगभग बनकर तैयार है। बहुत ही आसानी से और जल्द फटाफट बनने वाले लड्डू हैं और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए अच्छे से सारे इंग्रीडियंट्स आपस में मिल चुके हैं। अब आखिरी में हम इसमें डालेंगे खोपरे का बूरा। मैं खोपरे का बूरा इसके अंदर से मिला रहा हूँ। आप चाहे तो खोपरे का बूरा आप बाहर से भी डाल सकते हैं और उसके अंदर आप उसको ऊपर से लड्डू से लपेट सकते हैं। ये देखिए खोपरे का बूरा मिल चुका है। गैस को मैंने बंद कर दिया है और अब इसको अच्छे से मिला लूँगा और अब हम इसके गर्मा गर्म ही लड्डू बनाएंगे। हाथ से आप इसको इस हाथ से इस तरह से प्रेस करते जाइए और लड्डू बनाते जाइए। लड्डू भी आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। ये देखिए एक जैसे आकार के हम इसमें लड्डू बनाते जाएंगे और ये लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये सूजी और मावा के लड्डू बनाने की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। आप अगर मेरे इस चैनल पर नए आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। और अगर लड्डू बनाने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू।